हेलो टू ऑल कॉफ़ी लवर्स। सो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बरिस्ता प्रेम इंडिया में। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में कॉफ़ी मशीन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम एस्प्रेसो के बारे में बात करेंगे कि एस्प्रेसो क्या होता है। तो दोस्तों, बेसिकली एस्प्रेसो एक कॉफ़ी बनाने की टेक्निक होती है जो एस्प्रेसो मशीन से बनती है, जिसमें बॉइलिंग वाटर लगभग 90 डिग्री सेल्सियस या 190 फॉरेनहाइट बॉयल वाटर होता है, और जिसमें 9 to 10 बार का प्रेशर हो लगता है। ये स्मोकी होता है, बर्न शुगर जैसा, और टेस्ट कैरमलाइज होएगा, डार्क चॉकलेट होएगा, अर्थी होएगा और बिटर स्वीट कह सकते हैं। और ये लगभग 1901 ईस्वी में फाउंड की गई थी इटली में। और इसका कलर जो होता है, हम लोग जो चीता देखते हैं या फिर कैरमलाइज बोलते हैं, उस तरह से इसका सरफेस होएगा। और ये 25 to 30 सेकेंड के अंदर एक्सट्रैक्ट होती है, लगभग 33 ml। ये एस्प्रेसो की डेफिनेशन है। और हम एस्प्रेसो को हमेशा 30 सेकेंड के अंदर सर्व करें तो बेटर होगा, क्योंकि इसका क्रीमा डिसअपीयर होएगा तो फ्रेश सा नहीं लगता। तो ट्राई टू सर्व विद इन 30 सेकेंड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्प्रेसो। तो दोस्तों, एस्प्रेसो एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसकी 3 लेयर होनी चाहिए। सबसे नीचे हार्ट होना चाहिए, उसके बाद बॉडी और उसके बाद क्रेमा। ऐसे हम लोग परफेक्ट एस्प्रेसो को हम पहचान सकते हैं अगर हमारे एस्प्रेसो में 3 लेयर्स बन रहे हैं। एस्प्रेसो और एस्प्रेसो के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक शॉट एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं कि हमारा शॉट कैसा आता है। तो चलिए मशीन के ऊपर और शॉट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं एक शॉट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं अपनी एस्प्रेसो मशीन में, काफ़ी स्लो आ रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है। तो इसको हम ओवर एक्सट्रैक्टेड बोल सकते हैं। तो अगर ये 25 से 30 सेकेंड के ऊपर ले रहा है तो हमारा ये ओवर एक्सट्रैक्टेड शॉट बोला जाएगा, ठीक है। तो ये शॉट जो होते हैं वो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो आइए जानते हैं इसका रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न जो होता है कि ओवर टैंपिंग। जब ये आप ज़्यादा टैंप करते हो तभी भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद होता है वाटर प्रेशर, उसके बाद होता है ओवर डोज। अगर आप ज़्यादा अमाउंट कॉफ़ी ग्राउंड्स डाल रहे हो तब भी ऐसा हो जाता है। अगर आपने अपने कॉफ़ी ग्राउंड्स को ज़्यादा फाइन रखा है तब भी ऐसा हो सकता है, जो फ्लेवर और टेस्ट को इफ़ेक्ट करेंगे। ये देखिए, हमारा राइट हैंड पे अंडर एक्सट्रैक्टेड कॉफ़ी है और लेफ्ट हैंड पे ओवर एक्सट्रैक्टेड कॉफ़ी है। तो फ़र्क आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अंडर एक्सट्रैक्ट कॉफ़ी आपको सावरी आएगा, ओवर एक्सट्रैक्ट जो होता है बहुत बिटर होएगा। तो आगे वाली स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी परफेक्ट एक्सप्रेसो बीच में है, ठीक है, और राइट साइड में ओवर एक्सट्रैक्टेड है जो ज़्यादा डार्क है, और दूसरी साइड में लेफ्ट साइड में अंडर एक्सट्रैक्टेड है। तो आइए एक बेहतरीन एक्सप्रेसो निकाल के देखते हैं। सबसे पहले आपके कॉफ़ी ग्राउंड्स अच्छे होते हैं और उसको मेज़र करके रखें, उसके बाद बढ़िया से पुल करें, कभी भी ज़्यादा पुल ना करें। तो आपका जो शॉट होता है, हम लोग एम करेंगे अपना 25 to 30 सेकेंड के अंदर। फर्स्ट ड्रॉप आप देखिए किस तरह से आ रहा है, और कंसिस्टेंसी देखिए आप लोग। तो इस तरह से हम लोगों को अपना एस्प्रेसो पुल करना होता है। वेट कीजिए, ये एग्जैक्टली 25 to 30 सेकेंड में आएगा आपका एस्प्रेसो, ना ही बहुत धीमे आएगा ना ही बहुत ज़्यादा। ये हमेशा डार्क से ब्राउन की तरफ टर्न होना चाहिए आपका एस्प्रेसो। नीचे आप देख सकते हैं बेहतरीन 3 लेयर है, शानदार क्रेमा। तो इस तरह से हमको अपनी एस्प्रेसो एक्सट्रैक्ट करनी होती है। तो वी रिस्पेक्ट कि हम लोग अपनी कॉफ़ी कहाँ से ले आते हैं, उन फार्मर्स को जो बड़े बेहतरीन कॉफ़ी हम लोगों को देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी एस्प्रेसो एक्सट्रैक्ट कीजिए, उसके बाद कभी भी आप चेक करिए तो अपना वाटर फिल्टर, तो इस तरह से आपको दिखना चाहिए हमेशा एकदम ड्राई। ये होता है परफेक्ट डोज। उसके बाद
जब भी आप अपने कॉफ़ी ग्राउंड्स को हाथ में देंगे तो देखिए कितना तरह से यह ड्राई है पूरी तरह से, और इसको जब भी ब्रेक करेंगे तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए। ये हमारा शॉट है और मैं इसको पी के देख रहा हूँ। ओह माय गॉड, वाह, तो बेहतरीन कॉफ़ी है। इंजॉय कीजिए आप लोग भी। आई एक लाते भी बनाई थी हमने, उसको भी देख लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू वंस अगेन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।